मुझे ऐसा लगा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। चल, कोई भी नहीं है। कहाँ थे विराज इतने देर? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं? अरे, हे क्या? खून? खून? कहाँ चला? विराज, बोलते क्यों नहीं विराज? अरे बोल ना, कहाँ चला? विराज, अरे क्या हुआ विराज? दरवाजा खोलो। बोलते क्यों नहीं विराज? विराज? विराज बोल तो सही, क्या हुआ? दरवाजा खोलो। नासिक में बीच सड़क पर दो लड़कियों पर बेरहमी से हमला हुआ। आखिर विराज के अंदर इतना गुस्सा क्यों छुपा हुआ था? और क्या यह गुस्सा किसी बड़े जुर्म के होने की तरफ इशारा कर रहा था? ये लीजिए, आप भी लीजिए। अरे विशाखा, आरती दिखाई नहीं दे रही? आरती तैयार हो रही है, आती है बस थोड़ी देर में। आप हर बार ऐसे ही कहते हैं। एक बार कह दिया तो कह दे, मुझे और कुछ नहीं सुनना। ठीक है, तो मुझे भी कुछ नहीं सुनना। अरे ये क्या तुम लोग बच्चों की तरह लड़ाई कर रहे हो? और आरती, बड़े भाई से कोई ऐसे जमान लड़ाता है? हाँ, लेकिन शादी आपकी है या मेरी? मनीष, किसी भी हालत में शादी का हिस्सा नहीं बन सकता। ठीक है, तो अब मुझे ये शादी नहीं करनी। अगर मनीष भैया इस शादी का हिस्सा नहीं होंगे तो मैं ये शादी नहीं करूंगी। ये क्या जिद लगा रखी है तूने? आप लोग क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो? हाँ, बाहर तक आवाज जा रही है आप लोगों की। कुछ परिवार और समाज के बारे में सोचो तुम लोग। तुम्हें पता भी उसने किया क्या है? पूरे परिवार का नाम बदनाम किया है। उसकी परछाई तक इस शादी में नहीं पड़ने दूंगा मैं। भैया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे इस परिवार की बदनामी हो। तो ये सब क्या है? अपने से 12 साल बड़ी औरत से शादी की हमारे मर्जी के खिलाफ, और उस पर से जुबान चलाता है। तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुमने हमारे खानदान का नाम बहुत बहुत ऊंचा किया है। अगर आपने एक शब्द और बोला ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं। निकल जा यहाँ से और साथ में अपनी नौटंकी भी लगा जा। दोबारा बोलिएगा नहीं ऐसा। मनीष बस, चलो यहाँ से। विकास, विकास, फोन भी नहीं उठा रहा है ये। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, वेपन को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हवाले करो। आसपास दिखाओ और कुछ मिलता है क्या? Happy Rose Day!
यहाँ क्यों बैठे हो? चलो ना कहीं बाहर चलते हैं। बाहर मौसम भी कितना अच्छा है। क्या हुआ? सर, घर वालों से पता चला है कि विकास के मर्डर वाले दिन उसकी अपने भाई मनीष के साथ लड़ाई हुई थी। लड़ाई की वजह कि मनीष ने घर वालों के खिलाफ जाकर सुनंदा से शादी की। सुनंदा की एज मनीष से तकरीबन 12 से 13 साल ज्यादा। यानी कि इस वजह से मनीष और विकास के बीच में झगड़ा हुआ। कौन कौन थे वहाँ पर उस वक्त? सर, विकास का भाई मनीष, मनीष की बीवी सुनंदा, विकास की बीवी विशाखा, मनीष और विकास की बहन आरती और उनकी माँ। कैसे रिश्ते हैं इन लोगों के आपस में? सर, विकास चाहता था कि मनीष आरती की शादी में ना आए। मनीष किसी भी हालत में शादी का हिस्सा नहीं बन सकता। अगर मनीष भैया इस शादी का हिस्सा नहीं होंगे तो मैं ये शादी नहीं करूँगी। आपका और आपके भाई विकास के बीच में झगड़ा हुआ था? जी सर, उस दिन हम दोनों के बीच काफी कहासुनी हो गई थी। सर, हम दोनों के बीच काफी दिनों से प्रॉब्लम चल रही थी। आए दिन हम दोनों के झगड़े हो जाया करते थे। हमने तो ये भी सुना है कि विकास आप लोगों की शादी से खुश नहीं थे। जी हाँ सर, भैया चाहते थे कि मैं उनकी पसंद की लड़की से शादी करूँ। दरअसल सर, सुनंदा मुझसे 12 साल बड़ी है और उनकी मर्जी के खिलाफ मैंने शादी की, इसलिए। आरती और आपकी एज में काफी डिफरेंस है, फिर भी आप उससे शादी के लिए तैयार हो गए, ऐसा क्यों? सर, विकास मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं उसे काफी समय से जानता हूँ। वैसे वो आरती के लिए लड़का ढूंढ ही रहा था, लेकिन मनीष की वजह से वो उस परिवार से कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता था। पिछले कुछ दिनों में आपने विकास के बिहेवियर में कुछ चेंज देखा, कुछ अजीब सा? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, बस अपनी बहन आरती की शादी को लेकर वो थोड़ा परेशान रहता था। ठीक है सर, उस दिन शादी में सभी गेस्ट से मैंने पूछताछ की, उन सभी का यही कहना है। सर, विकास की मनीष से लड़ाई होती थी सुनंदा को लेकर, उसके अलावा ना तो उन्होंने विकास को किसी से लड़ते देखा और ना ही किसी से बात करते। और कोई एक ऐसा तार है जो हमारी पकड़ से बाहर है। एक काम करो, ये पूरे परिवार के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। ओके सर। मुंबई में पुलिस विकास के कत्ल की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही थी और इधर नासिक में पुलिस को एक लड़की की लाश कचरे के पास पड़ी हुई मिली। किसी ने इसके सर पे बहुत बुरी तरह से वार किया, हाथ पे भी घाव के निशान। आसपास देखो, जरूर कुछ मिलेगा। सर, नीतू के शरीर की 9 हड्डियां टूटी हुई मिली। उसे इतनी बेरहमी से मारा गया था कि उसने दर्द की वजह से दम तोड़ दिया। क्या इसके पीछे भी विराज के गुस्से का हाथ था या फिर कोई और भी था जो इन मासूम लड़कियों के साथ ऐसा कर रहा था? नीतू वॉज अ नाइस गर्ल, ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी, स्टडीज में भी अच्छी थी, पर पिछले कुछ महीनों से परफॉर्मेंस काफी डाउन हो गई थी। पिछले कुछ दिनों में वो विराज से ज्यादा बात करती थी और हमसे कम। विराज, नीतू को जानते थे तुम? हाँ सर, जूनियर है मेरी, अक्सर बात होती है हमारी। कॉलेज में स्टूडेंट्स बता रहे थे कि वो तुम्हें पसंद करती थी और प्रपोज करने वाली थी। मुझे कुछ नहीं पता सर, मैं कॉलेज ये सब करने नहीं जाता। आखिरी बार कब मिले थे तुम उससे? कल ही मिले थे। जब वो जा रही थी उसने कुछ बताया कि वो कहाँ जा रही? नहीं, मैं तो कॉलेज से सीधा घर आया और पढ़ाई करने बैठ गया। सर, इन्होंने विकास को किसी से बात करते हुए देखा था? किससे बात करते हुए देखा था आपने विकास को? सर, मुझे ये तो नहीं मालूम कि वो किससे बात कर रहा था, पर लग रहा था उनकी आपस में किसी बात को लेकर बहस हो रही थी। उस आदमी का चेहरा याद है आपको? सर, उनका चेहरा मुझे अच्छी तरह से याद है। उसका स्केच बनवाने में हमारी मदद कर सकते हैं आप? क्यों नहीं सर, काम ले, स्केच बनवा। होय साहब, आइए। विकास के मर्डर के कुछ दिन बाद आखिरकार पुलिस को इस केस में थोड़ी बढ़त मिली। किसी ने विकास को आखिरी बार किसी के साथ झगड़ते हुए देखा था और अब पुलिस के पास उस अनजान शख्स का स्केच था। ओरे, तो ये स्केच आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर। ओके सर। किसी को बताया तो नहीं? तो मुझसे मिलने आ रहा है। चल ठीक है।
अभी निकल और सुन, तेरा मेरा हिसाब बराबर। जी बोलिए। सर, मनीष भैया और सुनंदा भाभी किसी काम से बाहर निकले थे, लेकिन वो अब तक वापस नहीं आए और उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, इसलिए हमने आपको फोन किया। सर एक मिनट। सर, हत्या के एक दो दिन बाद मनीष और सुगंधा का गायब हो जाना, कहीं ऐसा तो नहीं कि सत्या में उन दोनों का यहाँ था? सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। उस लड़की को डंडे से बहुत बुरी तरह से मारा गया है। राणे, पिछले महीने दो लड़कियों को हॉकी स्टिक से मारा गया, लेकिन वो बच गए। ये दोनों केस काफी मिलते जुलते हैं। जी सर। वो फाइल लेकर आओ और दोनों लड़कियों से पूछताछ करो। ओके सर। आप उसका चेहरा पहचान सकते हैं? रात बहुत अंधेरा था, हम उसका चेहरा नहीं देख पाए। वो अचानक से पीछे से आया और हमें हॉकी स्टिक से मारने लगा। रात के बारे में सोचकर हम अभी भी डर जाते हैं। वो हमें हॉकी से मारता जा रहा था। अच्छा, उस हमलावर के बारे में ऐसा कुछ बता सकती हो जिससे उसे पकड़ने में हमें आसानी हो? ऐसा कुछ तो याद नहीं। चला बाजूला, चला बाजूला, चला। मनोज, देखो आसपास कुछ मिलता है क्या? भाई साहब, आप लोग सब यहीं रहते हैं? हाँ सर। कुछ पता है इसके बारे में? नहीं सर। आसपास तो यहाँ कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। भाई साहब, अंशु, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब हम अपने तरीके से जिंदगी जिएंगे। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरा विश्वास करो। बात बोलो, मुझे अब तेरी एक भी बात का विश्वास। सुनंदा के बारे में हमें से कोई कुछ नहीं जानता था, जो जानता था सिर्फ मनीष जानता था। क्या आप इसे जानती हैं? ध्यान से देखिए, इस आदमी को आपके पति विकास के साथ आखिरी बार बात करते देखा गया था। नहीं सर। ठीक है, इसके बारे में अगर आपको जब भी पता चले हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। एक बात और, क्या आप हमें मनीष और सुनंदा का कमरा दिखा सकती हैं? जी सर। चलिए। सुनंदा के पति की बॉडी एक पार्क से मिली थी, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि अपने पति की मौत के बाद सुनंदा किसी दूसरे मर्द के साथ थी। तो क्या यह सब सुनंदा का खेल? सुनंदा अपने पति मनीष से 12 साल बड़ी थी, लेकिन फिर भी मनीष उससे बहुत प्यार करता था और हर बार उसे पूरा सपोर्ट करता था। लेकिन मनीष की मौत के बाद सुनंदा का किसी और मर्द के साथ होना, आखिर क्या राज छुपा था सुनंदा के इस दोहरे रूप में? सुनंदा के कॉल रिकॉर्ड तो बिल्कुल साफ है, खाली उसने घर वालों को ही फोन किया है और घर वालों को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता है। सुनंदा के बारे में हमें से कोई कुछ नहीं जानता था, जो जानता था सिर्फ मनीष जानता था। अगर कोई अपने अतीत को इतना छुपाने की कोशिश करे तो समझ लो उसके अतीत में जरूर कुछ गड़बड़। बट सर, सुनंदा के अतीत में जाए कैसे जाए? कोई रास्ता तो नजर ही नहीं आ रहा। रास्ता हमें खुद ढूंढना होगा मोरे। एक काम करो, ये स्केच और सुनंदा की फोटोग्राफ सुनंदा के घर के आस पड़ोस में और मार्केट में हर जगह दिखाओ, देखो क्या पता चलता है। ओके सर। अरे सुनो, इसको कहीं देखा है? हाँ जी देखा है, एक दो रोज पहले हमारे यहाँ फोन करने के लिए आई हुई थी। सर, ये सुनंदा ये पीछे पे आई थी किसी को फोन करने के लिए। ये पीछे से कॉल डिटेल्स निकलो, देखो किससे बात की उसने। भाई साहब चलो। ये मनीष और सुनंदा के बीच में रिश्ता कैसा चल रहा था? मेरा मतलब कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? नहीं साहब, उन दोनों के बीच तो लड़ाई हो ही नहीं सकती। मेरा बेटा सुनंदा को बहुत चाहता था,
उसके पीछे पागल था, कुछ भी कर सकता था उसके लिए। आप लोगों को सुनंदा के मायके वालों के बारे में कुछ पता है? नहीं सर, अगर हम लोग सुनंदा से कुछ उसके मायके के बारे में पूछते थे ना, मनीष को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए हम कुछ पूछते ही नहीं थे उससे। सब मनीष भाई और सुनंदा भाभी नासिक में ही मिले थे और वो वही रहते थे। इसका मतलब नासिक जाकर ही सुनंदा के बारे में कुछ पता चलेगा। अभी तक इस केस की प्राइम सस्पेक्ट सुनंदा है, इसलिए मुंबई पुलिस ने सुनंदा के बारे में पता लगाने के लिए नासिक पुलिस की मदद ली। कामी साहब, आपकी मदद चाहिए होगी हमें दो लोगों के बारे में पता करने के लिए। बोलिए। सुनंदा नासिक की रहने वाली है और शादी करके मुंबई चली गई है। पहले सुनंदा के जेठ विकास का मर्डर होता है और फिर सुनंदा के पति मनीष का मर्डर होता है और साथ साथ सुनंदा भी गायब है। ये सुनंदा के पति की फोटोग्राफ है, ये सुनंदा की। सुनंदा जिस तरह से अपने अतीत को छुपाने की कोशिश कर रही है, हमें डाउट है कि उसके अतीत में जरूर कुछ घटा है। ये स्केच उस आदमी का है जो हमें लगता है कि इस केस से जुड़ा हुआ है। ठीक है सर, मैं अपनी टीम को काम पे लगा देता हूं। थैंक यू सो मच। ओके सर। पुलिस से स्पोर्ट्स टीचर ने हॉकी टीम की लिस्ट भेजी है, उसमें विराज का नाम भी है। तलाशी लोग इसके घर जाके। जी सर। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। किस लिए? हमें शक है विराज पे कि उसी ने नीतू का खून किया है। खून? नहीं, वो ऐसा क्यों करेगा? हमें पूरा भरोसा है उस पर, वो ऐसा नहीं कर सकता है। वो सब बाद में देखा जाएगा, पहले आप हमें अपना काम करने दीजिए। देखिए, आप पहले अपना सर्च वारंट दिखाइए। जी देखिए, सर्च वारंट तो हम दिखा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब की बार विराज को उठा के लेके जाएंगे ना तो उसकी दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। पड़ोसियों से कुछ पता चला? सर, पड़ोसियों ने बताया कि विराज जिन लोगों के साथ रहता है वो उसके माता पिता नहीं है बल्कि दादा दादी। जब विराज 10 साल का था तब उसके पिता की डेथ हो गई और 2 साल बाद उसकी माँ किसी दूसरे आदमी के साथ भाग गई। माँ के ऑफिस के बारे में थोड़ा पता चला, दादा दादी ने जितना लोगों को बताया था उतना ही वो बता पाए। फिर तो हम दोनों से पूछताछ करनी पड़ेगी। साहब, विराज हमारा पोता है, उसके बाबा ने आत्महत्या कर ली थी। हमने ये बात विराज से छुपाने की बहुत कोशिश की, पर विराज बहुत होशियार है सर। वो जब 10 साल का था तब से सब जानता है। और उसकी माँ? उसने तो हमारे घर को बर्बाद कर दिया, उसकी वजह से मेरे बेटे ने आत्महत्या की और वो अपनी बच्ची को यहाँ अकेले छोड़कर चली गई। अभी कहाँ है वो? पता नहीं है, और हमने जानने की भी कोशिश नहीं की क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि विराज इन सब बातों को याद रखे। उसकी कोई फोटोग्राफ? मैं लेके आता हूँ। ये सुनो सर, ये तो वो सुनंदा है जिसको मुंबई पुलिस ढूंढ रही है। विराज अभी कहाँ मिलेगा? कॉलेज में होगा। सर मुझे नहीं पता माँ का है, जब से माँ हमें छोड़ के गई है मेरी माँ से कभी बात नहीं हुई। गुस्सा नहीं आता तुम्हें अपनी माँ पे? माँ ने हमारे लिए बहुत कुछ किया सर, जैसे ही पापा का बिजनेस ठप हो गया था उसके बाद पापा ने कुछ नहीं किया,
सिर्फ घर पे ही बैठे रहते थे। माई हमारे लिए पैसा कमाती थी और माई घर चलाती थी। सब पापा को ताने मारने लग गए तो पापा ने सुसाइड कर लिया। ठीक है तुम जाओ। तुम लोग मुझ पे विश्वास कर सकते हो। मुझे इस तरह कहतियों की तरह रखने की क्या जरूरत है? ए, चुपचाप खाना खाओ। ये तेरे नखरे ना मेरे सामने नहीं चलेंगे। अंशु लाएगा ना तब उससे प्यार वाली बातें करना। वो दोबारा तुम्हारे प्यार में पागल होगा। मैं पागल नहीं हूँ, समझी? अजय, अजय मेरी बात सुन। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। मैं अंशु को छोड़कर कहीं। अजय, अजय, अजय! इंस्पेक्टर कामले, मुझे लगता है विराज ने ही अपनी माँ का किडनैप किया और बाद में उसे मार दिया। माँ, तेरे साथ विराज से बात करके हमें बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो अपनी माँ पे गुस्सा है। माँ ने हमारे लिए बहुत कुछ किया सर। जैसे ही पापा का बिजनेस ठप हो गया था, माँ ही हमारे लिए पैसा कमाती थी और माँ ही घर चलाती थी। अपने पिता की मौत के लिए भले ही विराज अपनी माँ को जिम्मेदार ना मानता हो, लेकिन बचपन में उसे छोड़कर चले जाने के लिए वो अपनी माँ को जिम्मेदार जरूर मानता हो। क्या एक बच्चा अपनी उस माँ को माफ कर सकता है जो उसे 14 साल की उम्र में छोड़कर चली गई थी और फिर कभी पलटकर उसके बारे में पूछा तक नहीं? लेकिन विराज ने पुलिस को बताया कि वो अपनी माँ से नाराज नहीं है। विराज के स्टेटमेंट से अब तक कुछ क्लियर नहीं था। पुलिस को ये तो समझ में आ गया था कि सुनंदा और विराज माँ बेटे हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया था कि केसेस आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। एक्सक्यूज मी। यस सर, मे आई हेल्प यू? कोई सुनंदा नाम की औरत आपकी कंपनी में काम करती थी? एक मिनट सर, मैं चेक करती हूँ। इस नाम से तो किसी ने हमारे कंपनी में कभी काम ही नहीं किया। कंपनी के पुराने रिकॉर्ड देखिए जरा। एक मिनट सर, नहीं है सर। अच्छा, इस ऑफिस के अलावा आपके और भी कोई ऑफिस है? हाँ, हमारे ऑफिसेस पुणे, मुंबई और बैंगलोर में भी है। वहाँ के एम्प्लॉयज की डिटेल्स देख सकती हैं आप? यस सर। सर, पुणे ऑफिस में एक सुनंदा है जिन्होंने पिछले साल ही ज्वाइन किया। क्या ये वही है? नहीं सर। ठीक है, थैंक यू। कमाल की बात है, आपको ये भी नहीं पता कि आपकी बहू रोज कहाँ काम पे जाती थी। सर, मैं सच कह रही हूँ, उसने सिर्फ हमें ये बताया था कि वो किसी कंपनी में काम करती है और शादी के बाद उसने अपना ट्रांसफर भी मुंबई करवा लिया था। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पता सर। सर, इस केस की कोई दिशा ही नहीं नजर आ रही। घूम फिर कर हम फिर से परिवार पर ही आ गए। लेकिन दायरा बड़ा होता जा रहा, लोग बढ़ते जा रहे हैं इसमें। हो सकता है शायद इन्हीं में से कोई फंसे। सर, सुनंदा को किसी और वजह से भी तो किडनैप किया जा सकता है। लेकिन फिरौती का कोई कॉल नहीं आया मोरे, और ना ही इनके पास इतना पैसा है देने के लिए। कि जिस किसी ने भी ये काम किया है, मुझे लगता है निजी कारणों की वजह से किया है। हो सकता है किडनैपर सुनंदा से किसी बात का बदला लेना चाहता है। एक काम करो, ये स्केच नासिक के हर मोहल्ले, हर दुकान, पब्लिक प्लेसेस पे सर्कुलेट करो। कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो सामने आएगा। वैसे भी हमारे पास मनीष और विकास के मर्डर केस में कोई लीड नहीं। ये सुनंदा हमारे हाथ आ जाए तो शायद इस केस में कोई लीड मिले। राइट सर। हाँ जी, बोलना। हेलो, अरे अजय, तेरी आवाज नहीं आ रही। हेलो, रुक होल्ड कर एक मिनट। अरे रुक रुक, आवाज नहीं आ रही ना। हेलो हेलो, हाँ बोला, क्या हुआ? अब देख आ जाएगी।
हॉकी मिली है। ठीक है, इसे फॉरेंसिक भेजवा दो। सर, सुनंदा ने जिस पीसीओ से बात की थी उसके कॉल डिटेल्स आ गए। उस दिन उसने विराज से भी बात की। इसका मतलब विराज ने हमसे झूठ बोला। जब से माँ हमें छोड़ के गई है, मेरी माँ से कभी बात नहीं हुई। विराज, तुमने हमसे झूठ क्यों बोला कि 3 साल पहले तुम्हारी सुनंदा से बात हुई थी? तो पीसीओ के रिकॉर्ड के मुताबिक सुनंदा के गायब होने से कुछ दिन पहले तुम्हारी सुनंदा से बात हुई थी। देखो, अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। जो जानते हो सच सच बता दो। तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं बहुत बिजी हूँ अभी। जब फ्री होऊंगा तब मिल लूंगा आपसे। और हाँ, मुझे आपसे आगे से कोई बात नहीं करनी, ठीक है? तुम समझते क्यों नहीं? मैंने जो भी किया वो मुझे कुछ नहीं सुनना, और मैं सब समझता हूँ। मेरी लास्ट टाइम माँ से यही बात हुई थी सर। सर, फॉरेंसिक की रिपोर्ट आ गई। उस हॉकी स्टिक पर नीतू का ही खून था। लड़कियां पसंद नहीं करती थी तुझे। उनका पीछा करने के बाद भी जब तुझे कुछ नहीं मिला तो तू उन्हें मारता था। लड़कियों की जान तेरी हवस के आगे बहुत कम जरूरी लगी तुझे, हाँ? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जो भी किया तुम सोच समझ के किया। मैंने कभी नीतू का पीछा नहीं किया। लेकिन नहीं, उसे अपनी इज्जत का ख्याल ही नहीं था। दोस्त थी मेरी, हम अच्छी खासी बातें करते थे, पर वो भी दूसरी लड़कियों की तरह निकली जो किसी के साथ भी नाच लेती है। किसी भी चीज का ख्याल नहीं होता उन्हें। तो गुजरती उसके परिवार पे, जब वो देखते उसे ऐसे सबकी सब कैरेक्टर लेस है, सब सोच समझ कर अगर तूने ये काम किया है तो बिना सोचे समझे तो तू फिर क्या ही करता? तेरी सोच ने तुझे जानवर बना दिया। तू खुद जानवर बन बैठा है। किसी लड़की का किसी लड़के के साथ नाचना या छोटे कपड़े पहनना उसको कैरेक्टर लेस नहीं बना देता। मात्र साहब, विराज के दिमाग में उसकी माँ की वजह से गुस्सा बैठा हुआ है, और शायद यही कारण है कि वो सभी लड़कियों से नफरत करने लगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुनंदा अभी है कहाँ? धंधा करती है, हाँ? मेरे साथ करने के लिए मना कर रही है, हाँ? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। नहीं, 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 ऐसी नहीं मानेगी, हाँ? तुझे दिखाना ही पड़ेगा। अरे 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 अजय, अरे इलाज करो मगर प्यार से, समझा? क्या है ना, गुड़िया है ये हमारी, अगर टूट गई तो पैसे कौन भरेगा इसके? अभी नहीं, थोड़ा तो आराम से कर, दिमाग का काम। अभी तक इस केस में कोई बढ़त नहीं मिली थी। पुलिस के लिए केस अब भी एक राज बना हुआ था। और दूसरी तरफ ये सुनंदा के साथ क्या हो रहा था? अंशुल जो कभी उससे प्यार का दावा कर रहा था तो कभी उसे खिलौने की तरह इस्तेमाल कर रहा था। अंकल एक वड़ा पाव देना। ये फोटो किसका है? अरे भाई हमें क्या मालूम, वो पुलिस वाला आके लगा के चले गए। एक कांस्टेबल की ड्यूटी लगाओ मुंबई में इस पूरे परिवार पर नजर रखने के लिए। मुझे पूरे परिवार के बैंक रिकॉर्ड्स और ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड चाहिए। राइट सर। एनी अपडेट सर? अंशुल और उसकी फैमिली के बैंक स्टेटमेंट और फाइनेंशियल रिकॉर्ड सर, इसे साफ पता चलता है कि उस फैमिली के अकाउंट में कैश डिपॉजिट होता। पता चला है पैसों को लेकर आपके परिवार में कुछ समस्या चल रही थी,
नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आपके बैंक की स्टेटमेंट के हिसाब से हर महीने आपके अकाउंट में कैश में पैसे डिपॉजिट होते थे। सर वो मनीष की कोई रेगुलर जॉब तो थी नहीं, वो फ्रीलांस काम करता था, तो उसके छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते थे और अधिकतर उसकी पेमेंट कैश में होती थी सर, इसीलिए हमारे अकाउंट में कैश में ही पैसे जमा होते थे। हेलो सर, ये तुम्हारी फोटो है ना? हाँ सर। 5 फरवरी को तुम मुंबई में थे? हाँ मुंबई में था। जिस दिन तुम मुंबई में थे उस दिन विकास नाम के आदमी का खून हुआ और विकास के पड़ोसी ने उसके खून के पहले तुम्हें उससे बात करते देखा और उसी ने ये स्केच बनवाया। सर एक तो आप क्या समझा रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, और फिर कोई भी मेरा ऐसे स्केच बना के देगा तो उसका मतलब ये थोड़े ना है कि क्राइम मैंने किया। सच क्या झूठ क्या वो तो हम पता कर ही लेंगे, फिलहाल जब तक इस शहर से बाहर जाने के लिए ना कहा जाए बाहर मत जाना। ये कौन है? सर मेरा दोस्त अजय। ठीक सर। सर पूरे परिवार के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए, लेकिन सर उषा के कॉल रिकॉर्ड से एक ऐसे लैंडलाइन नंबर का पता चला जिससे वो लगातार बात करती थी। कहाँ का नंबर है? सर मुंबई में किसी लॉज का नंबर। इनमें से किसी को जानते हो? सच सच बता दो वरना तुम्हारी ये लॉज भी बंद होगी और साथ में तुम भी बंद होगे। हमें पता है ये रोज यहाँ फोन करके तुम्हारे यहाँ रूम बुक कराती थी। सर सुनंदा एक प्रोस्टिट्यूट है, इसकी सास। सर ये रोज मुझे फोन करके यहाँ उसके लिए रूम बुक कराते। सर उसकी सास हमेशा उसके साथ आती थी और काम होने के बाद उसे यहाँ से लेकर चली जाती थी। पैसों का पूरा हिसाब किताब भी वही रखती है सर, और इनका बेटा भी इनके साथ आता था। बेटा? मोरे इन दोनों में से कौन सा बेटा है? सर ये वाला विकास। आपने अपनी बहू को जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन में धकेला, उसे किडनैप करवाया, जरा सी भी शर्म नहीं आई आप लोगों को? बोलो जवाब दो। ये बात सही है कि हमने ही उससे जबरदस्ती एक काम करवाया था, इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। पैसों की बहुत जरूरत थी, विकास के पास कोई परमानेंट जॉब नहीं थी और मनीष कोई भी काम अच्छे से नहीं कर रहा था। और आपकी इतनी बात कहने से सुनंदा मान गई? नहीं सर वो मानी तो नहीं थी, लेकिन हम लोगों को पता चल गया था कि शादी के पहले वो इन सब गलत कामों में थी, लेकिन मनीष को नहीं पता था साहब, इसीलिए मैंने उसे ब्लैकमेल किया कि अगर वो ये सारे काम हमारे लिए नहीं करेगी तो हम मनीष को बता देंगे। नहीं माँ जी, मैं वो सारे काम दोबारा नहीं कर सकती। मत कर विकास, एक काम करते हैं, इसके अतीत के बारे में है ना मनीष को सब बता देते हैं तो वो खुद ही से धक्के मारके घर से बाहर निकाल देगा। वो मनीष को खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने हाँ कर दी इस काम के लिए। लेकिन सर हमने सुनंदा का किडनैप नहीं किया है और ना ही हमने अपने बेटे को मारा है। क्यों मारेंगे अपने बेटे को? सच कह रही हूँ सर। सर अंशुल के कॉल डिटेल्स आ गए। सर कॉल डिटेल्स के हिसाब से अंशुल विकास के मर्डर वाले दिन विकास के घर के आसपास मुंबई में ही। पता करो ये अंशुल इस वक्त है कहाँ पर और इसका विकास के साथ कनेक्शन क्या है। ओके सर। जिस दिन विकास का खून हुआ तो मुंबई में था ना? सर मैंने आपको बताया तो था कि मैं मुंबई में ही था। वो क्या है ना कि काम के सिलसिले में आना जाना लगा ही रहता है। उस दिन विकास के घर के बाहर क्या कर रहा था? सर बहुत सारे पैसे लेने मुझे उससे, बस इसी वजह से गया था। फिर उस दिन झूठ क्यों बोला? इन दोनों भाइयों ने मुझसे खूब पैसे लिए हैं और जब वापस मांगे तो सर आनाकानी करने लगे। सर ये मनीष तो कुछ काम करता ही नहीं है और ये विकास इसने भी अपने ऑफिस में खूब हंगामा किया तो सर इसे भी ऑफिस से निकाल दिया। अब सर मुझे बताओ आप कहाँ से पैसे देते मुझे?
और फिर तूने विकास को मार दिया। भला मैं क्यों मारूंगा उसे? मैं उसे मिलने गया था, मिला और वापस आ गया। सर इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। इसे जानता तू? किसी को बताया तो नहीं मुझसे मिलने आ रहा है? नहीं, किसी को नहीं बताया। नहीं सर। पक्का? सर विराज की कॉल डिटेल्स आ गए हैं, जिनसे पता चलता है कि मुंबई जाने से पहले अंशुल से उसकी बात हुई। एक काम कीजिए, आप इस विराज से जरा अच्छी तरह से पूछताछ कीजिए। नफरत करता हूं मैं अपनी माँ से, उसने पैसे के लिए ने आपको बेच दिया, उसकी वजह से सारा घर बिखर गया, पापा ने सुसाइड कर लिया, लेकिन वो घर छोड़ के चली गई, उसे तो सिर्फ अपनी पड़ी थी, मेरे बारे में भी उसने कभी नहीं सोचा, एक बार भी। तूने उस दिन अंशुल को कॉल क्यों किया था? अंशुल माँ का बेस्ट क्लाइंट, अगर माँ को कुछ भी जरूरत पड़ती तो वो सिर्फ अंशुल को कॉल करती, माँ को पैसों की जरूरत थी तो अंशुल ने उसे लोन दे दिया, लेकिन वो पैसे लेके भाग गई सर, और अंशुल ने जिससे लोन लिया था वो इसे धमकाने लगा, अंशुल को माँ के बारे में जानना था, मैंने बता दिया। और फिर तेरी माँ का कॉल आया? हाँ, एक दिन आया था उसका कॉल, मुझे मिलने के लिए बुला रही थी, एड्रेस भी दिया था उसने अपना। और तूने वो एड्रेस अंशुल को दे दिया? नहीं सर, दिया नहीं, बेच दिया, जैसे मेरी माँ ने अपने आप को बेच दिया था कई साल पहले उस पैसों के लिए। सर मेरी माँ से ही सीखा है मैंने, पैसों के लिए अपनी आत्मा तक बेच देना। सर मुंबई नाशिक हाईवे पर अंशुल के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस हुई। मुंबई में सुनंदा को वापस लाने ही गया था, साली ने जिंदगी खराब कर दी मेरी, साली ने प्यार का नाटक मुझसे किया और शादी की उस मनीष से, क्या कुछ नहीं किया उसके लिए मैंने, अपने नाम पे लाखों रुपए का लोन दिलवाया और वो साली एहसान फरामोश सब कुछ लेके भाग। सब अब लड़की तो गई पर पैसा तो वापस उतारना ही था ना, और उसका मेरे पास एक ही तरीका था कि सुनंदा को वापस लाऊं और उसे धंधा करवाऊं, इसीलिए साहब मैंने इसका सारा नाम पता निकलवाया और इसका पीछा करना शुरू किया। साहब मेरे दिमाग में ऑलरेडी सेट था इसके पति को टपकाऊंगा और इसको वापस लेके आऊंगा, और एक दिन मैंने देखा साहब इसे विकास के साथ, वो रोज आता था इसको लेके जाता था, तो मुझे लगा साहब कि ये इसका पति है, इसलिए तूने विकास को मार दिया। हाँ साहब मार दिया, लेकिन साहब विकास को मारने के बाद बहुत जल्दी मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत आदमी मार दिया, इसका पति विकास तो है ही नहीं, इसका पति तो मनीष है। साहब अब चाहे विकास पति हो चाहे मनीष, मुझे लोन का पैसा तो उतारना ही था, तो साहब एक दिन जब ये पार्क गई ना मनीष के साथ तो मैंने सही मौका देख के मनीष को बिठा दिया। पैसों को वापस पाने की खातिर तूने दो लोगों की हत्या कर दी और एक को तो तू जिंदा गाड़ने वाला था, ऊपर से तू उसे प्यार का नाम भी दे रहा है। साहब प्यार तो मैं इसको करता था, बहुत प्यार करता था, लेकिन साहब जिनसे मैंने इसको लोन दिलवाया था ना भेड़िए आदमी है, भेड़िए अगर पैसा नहीं देता ना तो मेरा ही खून कर देते, इसलिए साहब मैं क्यों मरूं, मैंने पैसों के लिए दूसरों को मार दिया। तेरे साथ जो ये अजय पकड़ा गया ये कौन है? नहीं नहीं उसकी कोई गलती नहीं है, उसको आप छोड़ दो, वो तो बस साहब थोड़ी सी मेरी मदद कर रहा था और बदले में साहब उसको भी थोड़े मजे मिल गए सुनंदा।
सर मैं भी एक आम जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन जब मेरे पति का काम बंद हुआ तो मैंने घर चलाने के लिए एक छोटी सी नौकरी कर ली, लेकिन उससे उतने पैसे नहीं मिलते थे जिससे घर चल सके। ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूं। फिर मेरे सास ससुर ने मुझे इस कीचड़ में ढकेल दिया, और मैं नहीं चाहती थी कि इस बारे में मेरे बेटे को कुछ भी पता चले। सिर्फ मेरे पति को ये बात पता थी, और जब उन्होंने आत्महत्या कर ली तो मेरा बेटा मुझसे नफरत करने लगा था। शायद उसे ये पता चल गया था कि उसकी माँ एक गंदी औरत है, और मैं उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी। तब मुझे मनीष मिला। मैं अपने बेटे का सामना नहीं कर पा रही थी सर, और मैंने मनीष से शादी कर ली और नासिक से मुंबई चली आई। मनीष मुझसे बहुत प्यार करता था, सबसे लड़ता था मेरे लिए। उसे मेरे अतीत के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन यहां मेरे जेठ विकास और मेरी सास जरूर जानते थे कि मैं नासिक छोड़कर मुंबई क्यों आई थी। और फिर वो लोग मुझे ब्लैकमेल करने लगे, इस गंदे काम में मुझे फिर से ढकेला। घर में पैसों की जरूरत थी सिर्फ इसलिए। मुझे कहीं ना कहीं ये डर था कि अगर मेरे अतीत का सच मनीष के सामने आ गया तो शायद मैं मनीष को खो दूंगी, और मैं मनीष को खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि एक वही तो था जो मेरी कद्र करता था। इसलिए सर मैं वही करती रही जो मेरे जेठ और मेरी सास ने मुझे करने के लिए कहा। विराज के गुस्से के कारण कई लड़कियों ने अपनी जिंदगी खो दी, लेकिन एक और जिंदगी जिसने बहुत कुछ खोया वो थी सुनंदा। सुनंदा ने मजबूरी में वेश्यावृत्ति शुरू की, जिसकी वजह से उसके पति ने आत्महत्या कर ली और उसने अपने बच्चे से मुंह मोड़ लिया। और तभी उसकी जिंदगी में आया मनीष, जो उसके लिए खुशी की एक आखिरी उम्मीद लेकर आया था, लेकिन उसे भी सुनंदा से छीन लिया गया। और इसका फायदा उठाया उसके सास ससुर ने, और उसे फिर से वेश्यावृत्ति में धकेल दिया। बाकी सब ने भी अपनी कमजोरियों को ढकने के लिए उसका फायदा उठाया। तकलीफें हम सबके जीवन में आती हैं, लेकिन उन तकलीफों से डर कर हम हार नहीं मान सकते। इसके लिए बेहद जरूरी है कि परिवार वाले एक दूसरे से बातचीत करें और मिलकर हर मुश्किल का सामना करें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।